नमस्ते आप सबको, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी कि आप सब ठीक हैं। मैंने कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था, मैं कुछ काम था पर्सनल, तो आज मैंने बैठ सोचे कि आज कुछ वीडियोस अपडेट कर दूँ। तो आज मैंने एक वीडियो अपडेट करी है मरकरी के रिगार्डिंग, फर्स्ट हाउस एरीज का। अब मैं ये दूसरी वीडियो अपडेट करने वाला हूँ मरकरी के रिगार्डिंग फर्स्ट हाउस पे, अगर वो टॉरस असेंडेंट का हो तो। शुरू करने से पहले ये बोल लूँगा जी कि मैं फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे फ्री कुंडली चार्ट वाले सेक्शन में जी कि मैंने अभी तक चार पांच कुंडलियाँ रीड करी हैं फ्री कुंडली, और मैं आगे भी करने वाला हूँ। तो 5 जुलाई तक मैं फ्री कुंडली चार्ट रीड कर रहा हूँ सिलेक्टेड लोगों के लिए। अगर आपने अभी आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा जी कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना नाम प्रोवाइड कर दे, और अपने दो सवाल प्रोवाइड कर दे। जिसकी कुंडली सिलेक्ट होगी, मैं उन दो सवालों का उस पर्सन का जवाब दूंगा, और उसका जवाब मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, कुंडली रीडिंग में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और वहाँ से आप देख पाएंगे। तो ये रही बात। और जिन्होंने जो पुराने हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है, उनका मैंने बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट लिख के 5 जुलाई लिख के भेज दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की भी कुंडली रीडिंग करूँ, मैं करूँगा। और इस बार मैं ज़्यादा करने वाला हूँ, जैसे मैंने बोला है जी कि फ्री कुंडली चार्ट में ज़्यादा रीड करने की कोशिश करूँगा इस बार, तो आप लोगों की भी सिलेक्शन में मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगा। अब बात यह आ जाती है जी कि आज हम टॉरस लगन में मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा, उसका हम बात कर लेते हैं। तो हम लगन में देख के बात करते हैं। देखिए, ये टॉरस है, सेकंड हाउस लिखा है, टॉरस है लगन में। अगर सेकंड हाउस लिखा है और अगर यहाँ लगन लिखा है और सेकंड हाउस लिखा है और यहाँ मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है यहाँ पे, तो ये आपका टॉरस लगन है, यहाँ का ओनर बन जाता है वीनस, ठीक है ना जी। वीनस आपके आपके हाउस का ओनर है, आपके लगन का ओनर है। वीनस और मरकरी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, पॉजिटिव साइन है ये, बेस्ट फ्रेंड्स बोल सकते हैं आप जी की। एक जो फ्रेंड्स जोन वाला एरिया है उसमें ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वीनस के घर में अगर मरकरी बैठ जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी। सबसे पहले तो मरकरी सेकेंड हाउस का ओनर बन जाता है जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, और 5th हाउस का ओनर बन जाता है जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। ये मरकरी के खुद के हाउसेस हैं, तो सेकेंड हाउस और 6th 5th हाउस का ओनर बन के मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठा है। और मरकरी यहाँ से 12वां, और यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाग्यश बन के बैठा हुआ है। और ये बन गया मरकरी का दृष्टि जो कि 7th हाउस पर पड़ रहा है। पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। रीज़न बिंग, अगर मरकरी अगर सेकेंड हाउस में फर्स्ट हाउस में है वीनस के लगन में, तो यहाँ पे मरकरी फिक्स एसेट, अपनी मेहनत, अपनी बलबूते पे, या अपने लिए वो आदमी फिक्स एसेट एकुमुलेट कर लेता है मेहनत करके, कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे भी करके। ये आदमी फिक्स एसेट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे या अपने लिए बना लेता है। मरकरी यहाँ पे सेकेंड हाउस का इफेक्ट बुरा वाला नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे मरकरी वीनस के घर में बैठा है, फ्रेंडली साइन है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है जी कि मरकरी को हम राजपूत के राजपुत्र के तौर पे के तरह असाइंड करते हैं, मतलब राजा का जो बेटा होता है वो मरकरी माना जाता है। तो जब तक राजा नहीं बनता उसे, तब तक वो काफ़ी मतलब जो ट्रीटमेंट मिलती है वो काफ़ी प्रिंसली मिलती है और काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एरोगेंस से इंसान को बचना चाहिए। मरकरी और वीनस के कम्युनिकेशन की वजह से, कंबाइंड इफेक्ट की वजह से मरकरी यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे जो आदमी होता है थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है, थोड़ा सा, क्योंकि ये आदमी बहुत खूबसूरत होता है, दिखने में काफ़ी अच्छा, वेल टू डू दिखता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, काफ़ी कम्युनिकेटिव होता है। तो ये आदमी क्विक माइंड होता है, आपको अगर विटी आदमी चाहिए तो ये सुंदर, स्मार्ट और विटी आदमी या फीमेल होंगी। तो इस वजह से, इस कॉम्बिनेशन की वजह से इंसान थोड़ा एरोगेंट हो जाता है। देखिए, सुंदर लोगों के साथ दिक्कत यह है जी कि वो एरोगेंट हो जाते हैं क्योंकि वो सुंदर होते हैं। अपनी एरोगेंस को जेन्युइनिटी में लाने में उनको बहुत वक्त लग जाता है, इसी कारण वो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है।
थोड़ा सा इस एरोगेंस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा जी कि यहाँ पे फिफ्थ हाउस का ओनर हो के मरकरी नाइन्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो भाग्यश होके बैठा है, पंचमेश का भाग्यश होके बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन बिजनेस में, टीचिंग बिजनेस में, या जो आप पढ़ना चाहें उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ अपना जो पढ़ाई करें वो आप सोच समझ के करें, और बार बार भागने की कोशिश ना करें, वॉलीटिलिटी ना रखें, अपनी जो कंसंट्रेशन है उस पे, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो एजुकेशन ले रहे हैं उस पे कंसंट्रेट करके चलिए, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ये मरकरी। नॉलेज के थ्रू आप बहुत आगे बढ़ पाएंगी, बहुत बेनिफिट मिल पाएगा। आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन योर फैमिली, आपके परिवार में, मतलब आपका बच्चा, मतलब आपका अगर बच्चा पैदा होता है, उसके बाद आपका भाग्य उदय बहुत अच्छी तरीके से होगा। 32वें साल में आपका भाग्य उदय गजब तरीके से होगा, और 52 ईयर्स तक आपका भाग्य, 52 ईयर्स में और 32 ईयर्स में आपका भाग्य उदय बहुत अच्छा होगा। 32 ईयर्स में होगा ही होगा, 52 वीनस के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर बैठा है तो हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड कटे। बाकी बात कर लेते हैं हस्बैंड की, हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा। सिर्फ मैंने वही बोला, एरोगेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत स्मार्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं, तो आपको बहुत अट्रैक्शन प्रोवाइड होता है, और उसी वजह से हो सकता है जी कि आपके हस्बैंड थोड़े एग्रेसिव हों, और एग्रेशन की वजह से उनको वो चीज़ें हमेशा पसंद ना आए। कंट्रोल करने की कोशिश किसी भी चीज़ को अच्छी नहीं होती है, खुद में सुधार लाएं तो बेहतर रहता। उनको भी मैं एडवाइस दूंगा जी कि अगर आप में कुछ एरोगेंस है, या आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो आपके हस्बैंड हैं, कि अगर वो ऐसा सोचते हैं जी कि टिट फॉर टैट सोचते हैं, तो ऐसा ना करें। जो चीज़ होनी है वो होगी, तो आप अपने आप को काम और कंपोज रखने की कोशिश करिए। आपका रिलेशनशिप वैसे हस्बैंड एंड वाइफ का अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। माइनस एरोगेंस अगर कम्युनिकेशन रहता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू, सो सर्टनली वो आप वो एफर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एग्रेसिव हो, लेकिन उस एग्रेसिव को आपको कंट्रोल करना पड़ा, और आप कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं और बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत अच्छा है, तो आपका पर्सनल लाइफ भी अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। लेकिन पॉइंट वो है, थोड़ा सा उनके हेल्थ को लेके सोचिएगा, हेल्थ हो सकता है थोड़ा सा उनका प्रॉब्लमेटिक रहे, क्योंकि मरकरी उनके अष्टमेश होके सप्तम में बैठा हुआ है, तो सीधा दृष्टि डालने की वजह से, और 11वें घर का आय बढ़ेगी ज़रूर आपके लिए, उनके हेल्थ, दोनों चीज़ों में उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मरकरी यहाँ बैठे हुए हो सकता है उनके हेल्थ में प्रॉब्लम ला के दे, सडन गेन भी प्रोवाइड करे, लेकिन सडन लॉस भी हो सके होगा, तो इसमें हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा कंसर्न मेरे को दिखता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके उनको, उनका ख्याल रखिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वीनस के घर में बैठा हुआ है और बार सेकेंड हाउस, और यहाँ पे उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, तो उनका हेल्थ का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आप इसको ख्याल रखेंगे तो आपका लाइफ और अच्छा रहेगा। तो ये मेरी रीडिंग रही, मरकरी अगर वीनस में रहे, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अगर कम्युनिकेशन बिजनेस में, आप कम्युनिकेशन बिजनेस में रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे वीटी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे आपका, तो एजुकेशन टीचिंग बिजनेस में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन से अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस करते हैं तो अच्छा रहेगा। मरकरी यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, मरकरी मोस्टली हर जगह से ही कम्युनिकेशन अच्छा कर देता है, 32वां साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो मैं दो बार बोल चुका हूँ, तो 32वें साल को लेके, और ये मेरी प्रेडिक्शन रही, अगर टॉरस लगन में वीनस के घर में अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देगा। थैंक यू।